नमस्कार दोस्तों, नित्या में आपका स्वागत है। आज 5 जून के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपनी नदियों को साफ रखना चाहिए और केमिकल से इन्हें मुक्त करना चाहिए। हमारी नदियां और जल केमिकल से भरा पड़ा है और इसी को हम पानी पीते हैं, तो इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं और महामारियां भी आती हैं। और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो भविष्य में, और जो है आसमान भी साफ दिखाई देंगे और हमारे बच्चे चांद के साथ साथ सितारे भी देखेंगे, स्टार्स भी दिखाई देगा उनको, और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने पहले ही जीवन शैली को जीना बता दिया था, लेकिन हम नहीं उनके अनुसार नहीं जी रहे हैं। पहले जो वृक्ष होते थे उनके पत्तों पर खाना खाते थे, और अभी क्या है आजकल हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। तो प्लास्टिक ना तो गलता है और ये हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें अपनी पुरानी जीवन शैली को अपनाना होगा, नदियों को साफ रखना होगा और बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे ताकि भविष्य में महामारी आपदा ना आए। और हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना होगा, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।